लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। डॉक्टर? यस सिस्टर। मैंने सारे अस्पतालों और नर्सिंग होम्स में पता लगा लिया है, मिस्टर प्रेम कहीं भर्ती नहीं हुए हैं। सिस्टर, ऐसा करो, सारी धर्मशालाओं और लॉजेस में पता लगाओ, वो कहीं तो। आज मैं बहुत खुश हूँ बेटी, पूर्णमासी है और गुरुवार भी। पंडित जी ने आज का दिन अच्छा बताया है तुम्हारे मंगलसूत्र में चेन डालने के। अब तक तुम मेहमान थी इस घर में, आज से तुम्हारा नाता इस घर के साथ जन्म भर के लिए पक्का हो जाएगा। ये हमारे खानदानी जेवर है, शायद तुम्हें पुराने फैशन के लगे, पर मेरी तसल्ली के लिए कुछ देर के लिए पहन लो और आनंद के पैर छूकर आशीर्वाद। अरे नहीं नहीं, ये पैर वैर छूने की पुरानी रस्में मुझे पसंद नहीं। आनंद देख भाई, कहीं चुपचाप चले मत जाना, हाँ? पहन लो बहू ये जोड़ा और सेवर। अरे नहीं नहीं, माँ की बातें मानना आपके लिए जरूरी नहीं है। प्रेम प्रताप पटियाले वाले, 6/26 बिश्नू का कटरा, पुरानी बस्ती पटियाला। साहब ये फोटो आ गया है साहब, इसे हाल में टांग दूं? नहीं, इसका फ्रेम ठीक नहीं है, बदलवाना होगा। अभी एक तरफ रख दो, बाद में देख। अच्छा साहब। हेलो, 7468 पटियाला, डॉक्टर सिंह है क्या? हेलो सिंह साहब, मैं आनंद बोल रहा हूँ बंबई से। जी हाँ जी, सब खैरियत है। एक जरूरी काम से आपको तकलीफ दी, मुझे एक मिस्टर प्रेम प्रताप का पता लगाना है। जी, एड्रेस मैं आपको दे देता हूँ, आप किसी को भेजकर उनका पता लगवा लीजिए और टिकट वगैरह बुक करवा के पहली फ्लाइट से उनको बंबई भेज दीजिए। नहीं नहीं नहीं, वो मेरा कुछ लेके भागे नहीं है, दरअसल उनकी कुछ चीज मेरे पास आ गई है, मैं उनकी अमानत उन्हें लौटाना चाहता हूँ। आप जरा लिख लीजिए, प्रेम प्रताप पटियाले वाले, 6/26 बिश्नू का कटरा, पुरानी बस्ती पटियाला। और 25 साल हो गए सानू बंबई जाया, क्या दिखते थे उस वक्त, पता नहीं कितनों ने लैन मारी होगी हम पर, मगर असी भी लंगोट के पक्के थे, अख उठा के नहीं देखा किसी की तरफ, वरना आज ये गैरज होता, ये ट्रक होता और ये 6-6 टैक्सियां होती। लेकिन उस्ताद जी, तुम इधर आया पेट के वास्ते और अपना गुरुजी यहाँ पे आया प्यार के वास्ते, मोहब्बत के वास्ते। जब से बंबई में आया ना, तब से लैला मजनू का किस्सा चल रहा है। सुबह के टाइम में समोसे आ रहे, रात के टाइम में समोसे वाली खुद चल के आ रही है ऊपर में, ये उनके हाथ में कंगन पहना रहे, गाना चल रहा है रोमांटिक। छोटू के बच्चे, तू ही तो लाया था समोसे, तूने ही तो गाना लिखवाया था, इसकी तुन बना, अब तू ही बड़ा होशियार बन रहा, तू ही है सारे फसाद की जड़। ठहर छोड़ो, अपने कम की ओर ध्यान दो, मैं पूछता हूँ तुम काम क्या करते हो? संगीतकार है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन तुम काम क्या करते हो? क्यों, फिल्मों में संगीत देना काम नहीं है? देख बच्चे, पहले अपने पेट की 2 रोटी का बंदोबस्त करो, उसके बाद संगीत का शौक करो, जाओ कहीं अच्छा सा काम धंधा ढूंढो। नर्स, मंगला, लक्ष्मी, नर्स, मंगला, लक्ष्मी, मंगला कहाँ गई? क्या क्या बात है माँ जी?
ये सब कहाँ चले गए? जरा नर्स को बुला दे बेटी। नर्स तो छुट्टी लेके बाहर गई है शायद, मुझे बताइए क्या। नहीं नहीं, मैं जरा कहिए ना, मुझे जरा बेड पैन मैं ही ले लेती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, तुम रहने दो, तुम रहने दो। थैंक यू माया, थैंक यू वेरी मच। इस घर की असली बहू होती तो शायद वो भी इस काम से हिचकी जाती, लेकिन आप मिस्टर प्रेम बहुत ही खुशकिस्मत आदमी होंगे। चलो गुरु हो जा शुरू, तुम वो बाजू ट्राई मारो, अपन ये बाजू ट्राई मारता है, देखता है किसकी किस्मत में नौकरी लिखा है। काम मैं क्या करूंगी, समझी? थैंक यू मम्मी, यू आर वेरी स्वीट मम्मी। खाने की जरूरत नहीं, ये अपनी इस दुकान है, फुटपाथ पे साला रखने से बहुत झंझट था, इसीलिए अपुन ने नया बंदोबस्त कर दिया। आओ इधर में आ जाओ, ए फटाफट जाओ और दो चाय लेके आओ, अपुन का गुरु आया है। ये लीजिए, अभी लाया। आ जाओ गुरु। आज से हमें गुरु मत बोलना, शर्म आती हमें ये सोचकर कि इतने दिन हमारे साथ रहने के बाद भी तुमने ये सीखा चोरी करना, बेईमानी करना। हो गया ना तुम्हारा भाषण चालू। देखो गुरु, कोई आदमी अपनी माँ के पेट से चोर बन के नहीं निकलता, ये साली बेरहम दुनिया, बेरहम हालात यही चोर बना देती है मुझ जैसे शरीफ आदमी को। यही कायदा है दुनिया का, पहले बाल बड़ा करने का, फिर किसी भी मंदिर में जाके सफा चट कर देने का, पिछला सारा पाप खलास। ओए हाथ मल के ना, एक इस तरफ देंगे उस तरफ वकल टिकाने आ जाएगी। ठीक है गुरु, तुम्हें कोई नहीं सुधार सकता, तुम्हारे अंदर काबिलियत है मगर सिर्फ धक्का खाने की। तू तो बिल्कुल घटिया आदमी निकला यार। अभी अपन का सर्वेंट आ रहा है, अभी थोड़ी देर के लिए तू तड़ांग बात नहीं करने का, इज्जत का कचरा हो जाता है। अभी तुम आप और पापा जी करके बात करो। क्या ये लीजिए, गुरु को दो। आप गुरु, गुरु गणेशी जी साहब, चंदा कहाँ है? वो तो बहू के कमरे में है साहब।
चंदा, 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 उठो बेटी, देखो पापा बुला रहे हैं। चलो बेटे अपने कमरे में चल के सो। मैं यहीं मम्मी के पास सोऊंगी। मेरी मम्मी को परेशानी होगी, चलो उठो अपने कमरे में चलो। मम्मी को परेशान नहीं होंगी पापा। क्यों मम्मी, आप भी इधर ही हमारे पास सो जाओ ना। बेकार की बकवास मत करो, फौरन उठो चलो मेरे साथ। हम नहीं जाएंगे। चंदा, मैंने क्या कहा सुनाई नहीं दिया तुम्हें? मैंने क्या कहा आपको सुनाई नहीं दिया? बदतमीज, जबान चलाना सीख लिया? चलो उठो, चलो अपने कमरे में। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। चुपचाप चलो, मैं चंदा चुप करो, चलो उठो। सुनिए, मेरे ऊपर जो गुस्सा है वो बच्ची पर निकालना जरूरी था। हाँ, क्योंकि वो एक ऐसी चीज के लिए जिद कर रही थी जो मैं उसे नहीं दे सकता। अगर चंदा को माँ के प्यार की आदत पड़ गई तो मैं कल उसे कहां से ला कर दूंगा? जब आप यहां से चली जाएंगी फिर से तो शादी नहीं कर सकता। हमारे दिन ही खराब है छोटू, जो आज तुझसे भी बातें सुननी पड़ रही है हमें। अपनी तो लाइफ खराब कर दी ना तुमने गुरु, और अपना रोना रोने को बैठ गए। अरे अगर इतनी सी भी जवाबदारी नहीं ले सकते थे तो पहले ही बोलने का था। अपुन उधर में क्या खाना खाने को गया और तुम इधर में ऐसा हारमोनियम बजाया कि सारा माल सफाचट हो गया और तुमको मालूम भी नहीं पड़ा। कमाल है। चोरी का सामान तो चोरी में जाएगा ना, और क्या होगा उसका? तू बोलता है कि तेरा सारा सामान चोरी हो गया ना, ये देख ये ढोलक तेरा चोरी हुआ, नहीं ना, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि अपुन कितना भी हाथ पैर मारेगा तब तलक ऊपर नहीं आएगा जब तलक तुम अपुन के साथ है। इसका मतलब ये है छोटू कि तेरा और संगीत का एक गहरा नाता है, कभी ना टूटने वाला संबंध है, इसलिए तेरी टोलक चोरी नहीं हुई। हे भगवान, ईमानदारी के सौदे में कभी काटा नहीं होता छोटू। ये दुकान उकान भूल जा और चलो हमारे साथ, हम तुम्हें संगीत की जगमगाती दुनिया में ले चलेंगे। हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया? हमने कोई पाप नहीं किया छोटू, इसलिए आज नहीं तो कल संगीत की दुनिया में हम जरूर तहलका मचा देंगे। देखना, प्रेम प्रताप पटियाड़े वाले का नाम बच्चे बच्चे की जबान पे होगा। मिस्टर प्रेम। नमस्ते पाजी, आपको हमारा नाम कैसे मालूम हुआ? मुझे सिर्फ आप ही का नाम नहीं, छोटू का, छोटू का भी नाम मालूम है। मुझे आप लोगों की ही तलाश थी। आप उन्हें तुम्हारा भी कुछ चुराया है क्या बाप? दरअसल बात यह है कि मैं एक फिल्म प्रोड्यूसर हूँ, मुझे मालूम है आप वही संगीतकार हैं जिन्होंने किसी की धुन चुराने से इनकार किया था। मेरा नाम आनंद है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी फिल्म का म्यूजिक दें। आप मुझे अपना पता बता दीजिए, मैं कार भिजवा के आपको बुला लेता हूँ। कोई ठिकाना होएगा तभी तो पता बोलेगा ना, अभी तो फुटपाथ ही चपुन का ठिकाना है। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, मैं आपके रहने का इंतजाम करता हूँ, आइए मेरे।